करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि 18 मई 2022 को बाजार कैसा रहा। तो यहाँ पर 109 अंक नीचे चला गया था सेंसेक्स और 19 अंक निफ्टी चला गया था। और आज मुझे उम्मीद है कि यह कम से कम 15,900 तक जाने की उम्मीद है। और 16,000 तो इसका एकदम बढ़िया, जिसे कहना चाहिए एक मजबूत यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है, उससे बायबैक करेगा ये। और अगर उससे नीचे जाता है तो फिर 15,900-800 तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और ऊपर इसका 16,400 का लेवल है जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कि देखिए, मार्केट की हमें सारी मार्केट की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम टिक पाएंगे स्टॉक मार्केट में। तो US डॉलर में जो रेट चल रहा है आपका 77.5716 हो गया है, और यूरो का यहाँ पर 81 हो गया है, पौंड का 96 है और जापानी जेनो का 60 है। चलिए इसके बाद मेटल, ओहो, सोना 4,979 गिर गया 65.40 रुपए की हो गई चांदी, सोने के रेट गिर गए। अब इसके बाद में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं आज न्यूज इन स्टॉक्स कौन कौन से रहेंगे। तो देखिए मैं बता दूँ, अग्रवाल इंडस्ट्रीज ने अपना रिजल्ट किया है तो ये न्यूज इन स्टॉक रहेगा। नेट प्रॉफिट 15% है, EPS इनका 12% है। देखिए नेट प्रॉफिट में यहाँ ईयर ऑन ईयर ये बहुत ही बेमालूम थोड़ा सा प्रोग्रेस किया है और EPS इनका माइनस में रहा है। तो इस हिसाब से मुझे इस कंपनी के खास रिजल्ट नहीं आए, कंपनी में आज हो सकता है कि पिटाई हो। तो आप लोग देख लेना एक बार, इसको नाम लिख लेना, नोट कर लेना, शॉर्ट पोजीशन के लिए हमें मिल सकता है चांस। अभी इसके बाद में हम लोग मित्रों यहाँ ये सह्याद्री कंपनी है, इसने भी अपने रिजल्ट पेश कर दिए हैं। तो देखते हैं, देखिए आप, नेट प्रॉफिट 14% है, EPS 13% है और ईयर ऑन ईयर ये माइनस में 50% और EPS 50% चल गया। कंपनी का रेट की बात करें तो 522 रुपये है, बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग का रुख बन सकता है। अभी इसके बाद में हम लोग TNPL कंपनी का रिजल्ट देखते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट 2,365% है, EPS इनका 2,392% है, ईयर ऑन ईयर 670%, EPS 688%। कंपनी का रेट की बात करें तो 214 है, अपर सर्किट के चांस हैं। अपर सर्किट नहीं तो मार्केट बहुत ही नीचे जाएगा, तो कम से कम 5-6% तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि रिजल्ट ही बहुत बेजोड़ आए हैं। अब इसके बाद हम बात कर देते हैं, यहाँ पर लुपिन ने अपना रिजल्ट पेश कर दिया है तो 194% नीचे और 195% नीचे, और भैया यहाँ पर 212% नीचे और नेट प्रॉफिट और EPS इनका 212% नीचे। अब भगवान ही बचा ले तो कह नहीं सकता, ऑपरेटर इसको खेल कर लें तो, नहीं तो कंपनी तो गिरनी है। रेट चल रहा है आपको बता दूं 683 रुपये का। इसके बाद में यहाँ पर मित्रों रतन मणि मेटल्स का भी यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। तो देखिए मित्रों यहाँ पर 25% बढ़ा है इसका नेट प्रॉफिट, EPS 25% बढ़ा है और 2% नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर और EPS 2% है। तो खास कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। इसके बाद मित्रों बात कर लेते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। तो पीडीलाइट में देखते हैं साहब, ओह वही 29% नीचे, EPS 29%, ईयर ऑन ईयर 16% और EPS 16%। भैया मार्केट तो गिरेगी जब कंपनियों के रिजल्ट ठीक रहे हैं। तो रतन मनी में भाई 2 का बोनस इशू कर दिया है, तो इसके चलते हो सकता है ये कंपनी कम गए। अब इसके बाद में यहाँ पर BSL इंटरनेशनल यहाँ पर 10,24,50,000 शेयर का अप्रूवल दे दिया है, बोनस इक्विटी शेयर ये लोग दे रहे हैं एक के बदले एक। कंपनी का रेट, जो शेयर का रेट चल रहा है वो 190 के करीब चल रहा है, 197-168 के बीच में रहा है कल। तो लिख लेना, देख लेना, ये कंपनी हो सकता है आज अच्छा ही कुछ रिजल्ट दे सके। इसके बाद में यहाँ पर देखिए NTTV कंसोलिडेट ने यहाँ पर मतलब कंसोलिडेट प्रॉफिट दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए -12%, -12%, 7%, 7% माइनस में, भैया चलो यहाँ से। तो अभी इसके बाद में
फॉस्फेट कंपनी ने भी रिजल्ट पेश कर दिया है तो भैया 84% माइनस में, ओहो 93%, तो चलो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर है, ईपीएस 100% है, रेट क्या चल रहा है साहब 102। अब अदानी इंटरप्राइज यहाँ पर हेल्थ वेंचर में प्रवेश करेगा। अदानी इंटरप्राइज, अदानी तो भाई किसी सेक्टर को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जब परमात्मा जिसका हाथ पकड़ लेता है ना, आहा, उसको फिर कोई नहीं छोड़ सकता है। अभी इसके बाद में यहाँ पर UCL फ्यूल सिस्टम ने भी रिजल्ट पेश कर दिया है, तो मित्रों यहाँ पर 351% इनका नेट प्रॉफिट है, ईपीएस इनका 352% है, और नेट प्रॉफिट इनका 275% है, ईपीएस इनका 200% 275% है ईयर ऑन ईयर। मित्रों कुल मिला के 115 रुपये की कंपनी है। तो नंबर कंपनी का नाम तो मैंने सुना पहली बार ही आज, UCL फ्यूल सिस्टम, पर बढ़िया रिजल्ट आए हैं। इसके बाद में यहाँ पर मित्रों हम देख लेते हैं ITC के रिजल्ट भी पेश हो गए हैं। तो देखिए 3% नेट प्रॉफिट, ईपीएस 3%, 11% ईपीएस, 11% ईयर ऑन ईयर। भैया रहने दो, ये इसकी बेचारी के नसीब में वही 200 की रेंज है, तो ये आ लेगी वहाँ तक। अब इसके बाद में यहाँ पर मित्रों द संदूर मैगनीज का भी रिजल्ट आ गया है, तो मित्रों यहाँ पर 116% इनका नेट प्रॉफिट है और ईपीएस इनका 116% चला गया है, और इनका नेट प्रॉफिट यहाँ पर ईयर ईयर 232 है और ईपीएस इनका 232 हो गया। एक बार कंपनी का नाम दोबारा देख लेता हूँ, पहले इसका रेट देख लीजिए, रेट है 3576। रेट भी खूब है और कंपनी के रिजल्ट भी खूब अच्छे आए हैं। द मैगनीज एंड आयरन कंपनी का नाम तो देखिए मैंने, भाई मैं तो अभी सुना है और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखते हैं आज कंपनी मार्केट इसका कैसा रेस्पॉन्स देती है। और इसके बाद में हम बात करते हैं एलाइड डिजिटल सर्विसेज का भी यहाँ पर रिजल्ट आ गया है, और देखिए 181% नेट प्रॉफिट है, ईपीएस इनका 144% है, और इसके बाद में मित्रों बात करते हैं अगर ईयर ऑन ईयर, तो 436% ईपीएस नेट प्रॉफिट है, ईपीएस इनका 423% है, टोटल इनका भी 63% है ईयर ऑन ईयर। 9 मंथ का डाटा पॉजिटिव है, कंपनी का रेट 143 है, रेट भी बढ़िया है, कंपनी के रिजल्ट भी बढ़िया है। कंपनी का नाम है अलायड डिजिटल सर्विस, नोट कर लेना। देखिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर बिजनेस आज क्या कैसा रहेगा, तो देखिए भाई 118% टॉप जोन का फ्यूचर नीचे चल रहा है। इसके बाद मित्रों मैं तभी कह रहा हूँ मार्केट नीचे गिरेगी। अभी इसके बाद में आ जाइए यहाँ पर एशिया का मार्केट मैंने खोल रखा है, एशिया के मार्केट में निक्की इंडेक्स चालू हो गया है। तो देखिए मित्रों यहाँ पर करीब 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 आपको मैं बता दूं, ये 659 अंक नीचे चल रहा है भैया। पहले गैप डाउन ओपन हुआ है, इसके बाद थोड़ा सा रिकवर हुआ है, और रिकवर होने के बाद फिर नीचे जा रहा है। ये देखते हैं कहाँ तक रिकवर हुआ है, 26,209, और ये आया है फिर 26,304, 304, तो ज़्यादा कोई बढ़त नहीं मिली, 104 अंक की बढ़त कुछ नहीं होती भाई। तो मार्केट का व्यू जो है वो नेगेटिव ही है, सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको। अभी SSC तो अभी स्टार्ट हुआ है कि नहीं दिखते, नहीं बहरहाल ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और इसके बाद में हम लोग अभी देख लेते हैं रात में US मार्केट ने क्या धमाल किया है। भैया डॉप जोन 1,164 अंक नीचे, 3.57%। SP इंडेक्स यहाँ पर 100% नीचे, और या नेस्डेक यहाँ पर 566% नीचे चला गया, और रसेल मार्केट यहाँ पर 65 अंक नीचे है। BIX तो आपको पता है ऊपर जाता है, जब ये सब नीचे जाते हैं तो ये ऊपर जाता है। तो मित्रों यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी मैंने आपको वो दे दी हैं, और देखते हैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है क्या। तो अभी तो कोई यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नहीं साहब, और आप लोग जो आज रिजल्ट आने वाले हैं वो BSE इंडेक्स से BSE कैलेंडर डाल के गूगल पे देख लिया करो, जिससे कि आपको ये मालूम हो जाए कि आज इस कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, तो हम कल इसको रिजल्ट को देख सकें। तो मित्रों यहाँ पर मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा, कर्ज लेके, किसी से लोन लेके, किसी से मांग के शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं, अपना और अपने परिवार का सुरक्षित तरीके से ध्यान रखें। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।